बिट्टू इधर आ मैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी बन रहे हैं गुड़ के लड्डू और मेरे पापा तैयार कर रहे हैं गुड़ के लिए मसाले। और आज हमें इनविटेशन मिलने वाला है बरहों के लिए, जो कि 2 दिन बाद है। और बरहों बेसिकली एक पूजा होती है और उस पर बेबी का नामकरण होता है, तो वो आ जाएंगे और हमें इनविटेशन देंगे। और यहाँ पे बिट्टू, चाची और मेरी दोनों मामी किचन में हैं। बिट्टू खाना लगा रही है और चाची यहाँ पे पूड़ी तल रही हैं। और वो आ गए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब भैया थाली निकाल रहा है क्योंकि उनको थाली चाहिए इनवाइट करने के लिए, उस पर लड्डू वगैरह रख के। गांव से जब आ जाएंगे जाओ इससे। और हम लोग का नहीं है क्या? और हम लोग का निमंत्रण? अभी यहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा है सबका और वहाँ मेरा खाना बन गया है। वाह, और अब इनके जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि अभी इन्हें मामा के यहाँ भी जाना है, वहाँ पे भी इनवाइट करना है। अब वापस से गुड़ के लड्डू बनना चालू हो चुका है। अब हो गया है शाम का टाइम, तो अभी सब लोग चाय पियेंगे। गरम हो तो हाथ हटा रहे, ना हो तो ना डाल दे। इतनी मेहनत करने के बाद सब लोग चाय पीते हुए। मेरी बनाई हुई। आंटी को मैं बोल रही हूँ, अम्मा बस नहीं दिख रही हैं। हम नहीं दिखाई। हाँ आप दिख रही हैं। हाँ, अरे फूल आंटी ढक दी ना आपको। फूल आंटी ढक दी। बिट्टू इधर आ मैं। कौन आ रहा है? कौन?
पता नहीं ये भैया लोग रख दिए होंगे। दारी घी गरम करके गरम कर लेते हैं। गरम कर देना हाथ में लग जाएगा। हाथ में लग जाएगी। इसको निकाल मेथी वाले अपना पसंद जाए तो पीस के बना के देखे खेती लड्डू स्पेशल मेथी पीसी है फिर बना के दे। ये तो इतना अम्मा जी बताइए कहीं ना अपना से ना अच्छे से माता मेथी मेथी वाले ही पसंद का मेथी क्या किसान किसान दोनों जने एक जने मेथी की फंदी रह गई जने आटा पाली जरूर खा लेना चाहिए भगवान ना सब करते हैं। बड़किया के तब कोरिया था मामा केरल गुड़ बांध के तो 11 बजे रात एक दिन पहले अपन काटी के भूंजे ना अपन एक दिन बांध ले बताया हम एक टीम भेज दिया यहाँ से भेजा टीम सेक्टर भेज दिया पिंकी वाला पिंटू करी कितने एक सीट मांगी दोनों को बैठ छह 40 मार जाती था ठीक है नहीं कहती वैसे बैठ जाइए तक हिम्मत अदरक अदरक रोटी अब लड्डू वगैरह बन गए हैं पूरा काम हो गया है और अब लास्ट में आंटी लोग यहाँ पे सोहर गाएंगी। हाँ तुम इसको नीचे रख दो। ए ढंग से बर्थडे के लिए संपर्क करें। हैं चेहरा वाला आवा चाहिए साफ। तो गाइस ये था डे वन और हमने काफी ज्यादा मजा किया काफी अच्छा लगा और अगले दिन हम लोग खाजा वगैरह बनाएंगे। इसमें रिफाइंड तेल कुछ भी है ना? हाँ सब है। अब फिर ही बेलना में खा यहाँ का हाँ ले जम कर डाल दे जहाँ से रख तो हाँ खुल जाए हाँ फिर भले गरम खुल जाए हाँ वो गीता तो जम का खा यहाँ माँ जहाँ की पारी तो खुली हाँ और यहाँ तो लगा मैं माँ तो बस सेकंड डे बस इतना ही था। हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं सिर्फ खर्चा वगैरह बाकी था तो वही बस बनाए और अभी नेक्स्ट व्लॉग में हमें पैकिंग करनी है इन सारे सामानों की और फिर हमें बरहा में भी जाना है तो उसका व्लॉग जितना जल्दी हो सकेगा मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय।